दोस्तों, इस टेंडर का न्यू वर्जन आ चुका है और काफी लोग इसको यूज करते हैं, पर अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम्स कमेंट करे थे, तो अब ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेना। और फाइल का जो पासवर्ड है वो वीडियो के अंदर ही आपको बता देता हूं। तो पासवर्ड कहां है ये कमेंट मत करना, वीडियो अच्छे से देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में आपको टाइमर के साथ रील कैसे शेयर कर सकते हैं और आपके मेरे फेवरेट iOS इमोजी फॉन्ट वो कैसे इनेबल करते हैं वो सब कुछ बताऊंगा। और होनेस्टा में जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर भी मैं वीडियो आने वाली है, तो सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर बताता हूं। तो हमेशा की तरह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम की, वहां से आपको इस टेंडर का 70.1 जिप फाइल दे दी है, तो उसको डाउनलोड करना। अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मत करना। और एक और बात बता देता हूँ, तो काफी लोग गलती करते हैं, दूसरी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और सभी पे सेम पासवर्ड को लगा देते हैं, इसीलिए पासवर्ड इनकरेक्ट बता देता है। तो टेलीग्राम से सही फाइल डाउनलोड करो, आपको जो भी वर्जन डाउनलोड करना है मैंने सारे वर्जन वहाँ पे दिए हैं और उसके नीचे वीडियो की लिंक भी होगी, तो वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने पासवर्ड भी बता ही देता हूँ हर वीडियो के अंदर, क्योंकि सभी के पासवर्ड में अलग अलग देता हूँ। तो समझ गए होगे। तो डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद सिंपल इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपका आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो अब ये वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको स्टैंडर्ड के कुछ फीचर के बारे में बता देता हूं। तो इससे आप लोग स्टोरी, पोस्ट, रील HD क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आपको तीन लाइन पे जाना है एंड यहां पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप रील डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से आप लोग रील डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी की स्टोरी डाउनलोड करना है तो वो यहां पे तीन लाइन पे क्लिक करोगे तो यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद यहां पे स्टैंडर्ड सेटिंग में जाओगे तो यहां पर भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहां पे गेस्ट मोड के अंदर जाओगे तो यहां पे आपको यहां से किसी का मैसेज देख लोगे तो भी उसको पता नहीं चलेगा। एंड यहां से आप लोग हाइट टाइपिंग कर सकते हैं, किसी की स्टोरी देखोगे तो भी उसको पता नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप लोग स्टोरी, रील, पोस्ट सबकी जो क्वालिटी उसको इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आप ये सब टिक को ऑन कर दोगे। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग 60 सेकंड को इनेबल कर लेना जिससे आप लोग 60 सेकंड की स्टोरी अपलोड कर सकते हैं बिना स्प्लिट हुए। और स्टैंडर्ड के न्यू वर्जन में यहाँ पे नोट वाला फीचर को भी ऐड कर दिया है, तो ये फीचर का भी आप यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग iOS जैसे रील कैसे शेयर कर सकते हैं विच टाइमर। तो आपको जाना है आपके स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर, यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर मोड का, तो इसके अंदर आपको क्लिक करना है और सिंपल यहाँ पे डेवलपर मोड है इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद नीचे यहाँ पे गेट मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसको अपडेट कर लेना है। जैसे अपडेट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद एक बार आपके फोन को रिस्टार्ट करना है, फोन को मतलब ऐप को रिस्टार्ट करना है, रिसेंट मैसेज हटा देना है, उसके बाद वापस इसको ऑन करना है, उसके बाद वापस से स्टैंडर्ड को ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको होम बटन को प्रेस करके रखना है। अगर आपका यहाँ पे होम बटन प्रेस नहीं होता तो उसके बाद एक और बार आपको ऐप को रिस्टार्ट कर देना है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेवलपर मोड ऑन हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको डेवलपर मोड थोड़ा चेंज कर दिया है, यहाँ पे आपको मीटा कॉन्फ्रिंग सेटिंग मिलेगा, तो इसमें आपको जाना है, अच्छे से देख लो मीटा कॉन्फ्रिंग सेटिंग। और इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है क्लिप्स वीडियो और जितने भी ऑप्शन आते हैं सारे इनेबल कर देना। उसके बाद आपको सर्च करना है सिर्फ मेंशन, तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल करना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन को इनेबल करना है। उसके बाद ऐप को वापस से रिस्टार्ट कर देना है एंड वापस से ओपन करना है। तो मैं आपको लगा के बता देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राउंड एज स्टोरी इनेबल हो गई है। और अब इसमें टाइमर को ऐड करना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अलग से टाइमर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके जी बॉक्स को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और ये कीबोर्ड है तो उसको आपको यहाँ पे अच्छे सेटअप कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने जो स्टैंडर्ड की जिप फाइल दी है उसके अंदर आपको एक टाइमर का फोल्डर भी मिल जाएगा, तो बस आपको उसको कुछ नहीं करना, आपको इस वाले कीबोर्ड पे आना है एंड यहाँ पे नीचे इमेज होगा तो उस पे जाना है एंड यहाँ से आपको टाइमर वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टाइमर है, तो आप यहाँ पे कोई भी इसको ऐसा छोटा करके एडजस्ट कर लेना तो यहाँ पे हमारा टाइमर भी लग जाएगा। तो अगर आपको टाइमर चाहिए तो इतनी छोटी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और ये कीबोर्ड आपको नहीं पसंद तो आप नीचे से यहाँ से चेंज कर लेना, जीबोर्ड कर लेना, जब आपको टाइमर लगाना हो तभी आप ये कीबोर्ड यूज करना। तो अब बात करते हैं iOS इमोजी प्लस फॉन्ट कैसे इनेबल करें। तो न्यू अपडेट में इमोजी वर्क नहीं करते, अगर आपके पास कीबोर्ड में iOS इमोजी इंस्टॉल है तभी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करते तो मेरी ये वीडियो देख लेना, सब कुछ अच्छे से बताया है। और फॉन्ट वर्किंग है पर जल्दी इमोजी और फॉन्ट दोनों एक साथ यूज कर सकोगे, उस पर अभी काम चालू है तो वीडियो जल्दी आ जाएगी। और फाइल का जो पासवर्ड है वो 699 लगा देना है, उसके बाद आपको न्यू वर्जन मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसको डाउनलोड मत करना। तो सब कुछ समझ गए होगे तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ आप कौन सा मोड यूज करते हो। मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय।